उत्तर प्रदेश के मऊ से दो दलित बहनों के सरेआम छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस ने आरोपित मोहम्मद शाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के आईमार्ट कॉम्प्लेक्स का है। इस कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में दो दलित बहनें काम करती थी। एक दिन वे 9:30 बजे दुकान खुलने से थोड़ी देर पहले ही वहां पहुंच गई और दुकान खुलने का इंतजार करते हुए गेट पर खड़ी हो गई। इस दौरान बगल में ही जोया कलेक्शन नाम की दुकान चलाने वाला शाबुद्दीन उन दोनों लड़कियों से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने लगा। उसकी सारी हरकत कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में घटना की तारीख 20 जून 2022 की दिख रही है। इतना ही नहीं, नदवा सराय निवासी शाबुद्दीन ने इस हरकत के बाद लड़कियों को धमकाया भी। शाबुद्दीन ने उन दोनों युवतियों को से यह भी कहा कि अगर इस बात की उन्होंने किसी से बताई तो उनकी वीडियो वह वायरल कर देगा। इसके साथ ही उसने युवतियों के दुकान मालिक व से शिकायत कर उन्हें नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दी थी। धमकी के बाद डरी सहमी युवतियों ने इनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद शाबुद्दीन ने उस वीडियो को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास करने लगा। जब लड़कियों ने उसकी बात नहीं मानी तो उस वीडियो को उसने वायरल कर दिया। वीडियो जब युवतियों के कस्बे में भी सामने आया तो उन्होंने घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। इसके बाद वे भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लालजी वर्मा को इसकी जानकारी दी। वर्मा युवतियों को लेकर थाने गए और मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार की देर रात तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि आरोपित को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उन लड़कियों को ढूंढ निकाला है, उनसे तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया है, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो ये कार्य कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन।